नाम है सर? मेरा नाम, अब नाम ना पूछिएगा, बस सवाल करते हैं। नाम ना पूछे, नहीं अगर कुछ नेताओं की बात किया जाए तो बगैर नाम पूछे इंटरव्यू तक नहीं देते, तो नाम पूछना कोई गलत बात थोड़ी ना। मेरा नाम वसीम खान है। अच्छा वसीम जी कहाँ रहते हैं? मैं कासगंज रहता हूँ। कासगंज रहते हैं, कासगंज कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अच्छा अच्छा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्या हाल है इस समय उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश में मोहब्बत की दुकान तेजी से चल रही है। चल रही है मोहब्बत बहुत तेज चल रही है। 80 में 44-43 सीटें इंडिया गठबंधन जीत के आया है। अच्छा। और जो औसत निकालोगे तो 275 विधानसभा सीटें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गवा चुके हैं। 275 विधानसभा सीटों का रेशियो निकला है। अच्छा। वहां उनको हार के आए हैं। कैसे हराएंगे? एक तरफ तो बुलडोजर टाइट है, दूसरे तरफ छाट छाट के इनकाउंटर हो रहा है, कह रहा है विपक्ष जो है। कहां है बुलडोजर? आर्यन मिश्रा के हत्यारों के घर का बुलडोजर चला, पूछता है मीडिया? मीडिया सवाल ही नहीं करता है। आर्यन मिश्रा क्या कर डाले, उनके उनके घर क्यों चलना चाहिए बुलडोजर? आर्यन मिश्रा आपको नहीं, आर्यन मिश्रा के जो हत्यारे हैं। अच्छा। आर्यन मिश्रा एक बारहवीं का छात्र होता है, ब्राह्मण का बेटा होता है। अच्छा। उसके सर कुछ गौ रक्षक, मैं तो रक्षस नहीं राक्षस कहूंगा, जो किसी का वध कर दे वो रक्षक हो ही नहीं सकता, वो राक्षस होगा। वो राक्षस उसकी जान ले लेते हैं और उनके घर बुलडोजर नहीं चलता। कुलदीप सिंह सेंगर जिसका नाम आपने सुना होगा, उन्नाव में एक बेटी का रेप कर देता है और रेप करने के बाद उसका पिता जब मुख्यमंत्री जी की जन सुनवाई में जाता है, वहां से विधायक जी फोन करके उसको उठवा लेते हैं और उठवाने के बाद थाने में उसको इतना मारा जाता है कि वो थाने में दम तोड़ देता है। और उसके बाद उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलता बल्कि भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे उसको समर्थन दे दिया जाता है। अच्छा। तो जब आप पार्टी आपका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है उसके बैनर तले हैं, उनके घर पे जो है बुलडोजर नहीं चलता, बुलडोजर होना नहीं, बाकियों के घर बुलडोजर नहीं होना चाहिए। मेरी तो मानना ये है, बुलडोजर क्यों? देश की कानून प्रक्रिया है, देश की न्याय प्रणाली है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है, ये किस लिए है? इतना रुपया इसमें क्यों लगता है? इतने जजों की नियुक्ति क्यों होती है? ये न्यायपालिका पर एक सवालिया निशान। बुलडोजर अपराधी के घर पे चल रहा है, अगर बुलडोजर किसी अपराधी के घर पे चल रहा है तो क्यों सवालिया निशान खड़ा किया जाए? अपराधी घर पर बुलडोजर चलता कहाँ है? मैं तो आपसे पूछ तो रहा हूँ, कुलदीप सिंह सेंगर के मान लिया जितने घरों पे बुलडोजर चला वो सब जो है अपराधी नहीं है? बुलडोजर जाति और मजहब धर्म देख कर क्यों? अच्छा हाँ धर्म देख कर चलता है। भाई देश में जो व्यवस्था है, जो प्रणाली है, समान है, देश का संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, और आप वहां जाकर के इस तरह की बातें करेंगे कि अपराधी की जाति विशेष देखकर बुलडोजर चलाएंगे तो सवालिया निशान तो लगना जायज है। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हारे हैं, अयोध्या के अंदर जो बुलडोजर चलाया गया, वहां 10,000 से ज्यादा गरीब लोगों के मकानों को गिरा दिया गया। मजलूमों के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है और जालिम को खबर कर दे कोई कि अंजाम सितम क्या होता है। चार घरों को गिरा दिया अयोध्या में, 10,000 घरों। अच्छा अगर अगर कोई चीज अपडेट हो रहा है, कोई परिवर्तन हो रहा है, कोई टूरिस्ट स्पॉट बन रहा है या कोई काम हो रहा है, अगर वहां पर जो है अधिग्रहण करके हटा के दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए तो गलत क्या? शिफ्ट किया ही नहीं गया, किसी को एक पैसे का मुआवजा नहीं दिया गया। मेरे पास वीडियो है, वो महिलाएं रोती हैं, कुछ तो बुजुर्ग महिलाएं जिनका कोई सहारा नहीं है, वो कहती हैं कि सर्दी में हम कहां जाएं, जिस सर्दी के जनवरी के और दिसंबर के महीने में जहां लोग कंबल और रजाइयां वितरण करते हैं, बाप लोगों के सरों से हसियाना छीनने का काम कर रहे हैं, दुर्बल को न सताइए। जिन महिलाओं की बात आप कर रहे हैं उसी में से तो बाद में उनका भी तो वीडियो वायरल हुआ कि नहीं मैंने ऐसे ही बोल दिया था, बाद में पाया तो सब ठीक है? सब ये दबाव की बात है, उनको उन पर प्रेशर डाला जाता है। आप इस तरह कहिए, मजबूरी होती है कहनी, तानाशाही है, बोलने नहीं दिया जाता है लोगों को, बोलने नहीं दिया जा रहा है और इसी की बात है ये। अगर आप लोगों की आवाज को बंद करेंगे तो वोट की ताकत वो ताकत है कि जो अच्छे अच्छे तानाशाहों को जमीन से उखेड़ के फेंक देती है। आपका क्या कहना, जो लोकसभा उपचुनाव है विधानसभा का, उसमें क्या होने वाला है? कौन सा विधानसभा चुनाव? विधानसभा उपचुनाव जो है, जो यूपी में वहाँ इलेक्शन होना है। हाँ। दसों की दसों विधानसभा सीटों पर जो है इंडिया गठबंधन जीत रहा, कैसे जीतेगा? योगी जी और पूरा जो है बीजेपी लगा पड़ा हुआ है, पूरा इस समय कंट्रोल जो है योगी जी के हाथ में। योगी जी के हाथ में नहीं है, कंट्रोल दिल्ली में है। जब जब बटन दबाया जाता है योगी जी को भी मजबूरी होती है यहाँ दिल्ली आना। अच्छा। दिल्ली से चलती है सरकार। हाँ। अगर योगी जी केंद्र की बात करें तो भाई दिल्ली से ही चलेगी ना, अब राज्य की बात करें तो योगी जी तो चला रहे। अरे राज्यों की उपचुनाव है भाई, लोक विधानसभा चुनाव तो कौन
हरियाणा चुनाव, राज्य के चुनाव, सारे के सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी लॉस होने वाला है और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वो इसलिए बनने जा रही है कि पिछले 4 साल से प्रधानमंत्री जी के दिल में बसने वाला किसान सर्द मौसम में 10 और 5 डिग्री सेल्सियस में जमीन पर बैठा रहा और वहीं 52 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी धूप में तड़पता रहा, उसकी हाय इनको लगेगी हरियाणा में इनकी सरकार जाने वाली है। हरियाणा में किसान तो पंजाब के बैठे हैं, हरियाणा के किसानों की हाय कैसे? पंजाब का, हरियाणा के किसान सिंघू बॉर्डर पर कितने बैठे? सिंघू बॉर्डर पर क्यों हरियाणा के किसान बैठेंगे? वो तो आके यहाँ बैठेंगे दिल्ली बॉर्डर पे। दिल्ली में आने कहाँ दिया जाता है, लेयर लगा दी जाती है। हरियाणा के हैं तो वो सिंघू बॉर्डर पे क्या कर रहे हैं भाई? पंजाब के किसान ऐसा क्यों नहीं कर? पंजाब और हरियाणा दोनों जो किसान है, किसानों को दिल्ली में अंदर कहाँ आने दिया जाता है? किसानों को खालिस्तानी बता दिया जाता है, उग्रवादी बता दिया जाता है। पूरे भारत में किसान है कि नहीं है, बस इतना बता। बिल्कुल ठीक, मैं और जगह नहीं है। वही किसान देश में अपने खिलाफ जो गलत कानून है। अच्छा मुझे बताइए, जो 3 काले कानून भारत लेकर के आया भारत सरकार, कौन से किसान ने उसकी मांग की थी मुझे बताइए, आप बताइए। नहीं सुनिए, भारत सरकार ने जो भी किसान लेकर आया संसद में पारित हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? ध्वनि मत से पारित किया गया उसको, वरना सांसदों का सपोर्ट मिला कि नहीं मिला? विपक्ष में सांसद नहीं थे राज्यसभा और लोकसभा? क्यों नहीं थे विपक्ष? जब सब कुछ ठीक है था तो क्यों नहीं विपक्ष में सांसद? अब करा लीजिए पारित, कहाँ हो जाएगा? मैं बता रहा था किसान को आने, भारत सरकार ने उसको जब रिटर्न ले लिया तो किसान फिर कानून का काम की बात बता रहा हूँ मैं। दिल्ली की सुनिए, बात को पूरा सुनिए। दिल्ली किसान इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि साथ साथ लेयर की बैरिकेड मय तारों से लगा दी गई। ऐसी बैरिकेड लगाई गई, ये बैरिकेड एलएसी और एलओसी पर लगाई जानी चाहिए जहां हमारे देश का जवान शहीद होता है, जो जवान देश की रक्षा करता है। किसानों को आने दिया जाए और लाल किले पे खड़ा होके जो है झंडा उतार के दूसरा झंडा पहरा दिया, तबाही मचा। कौन किसान थे और इतनी आर्मी लग ली, वो कौन किसान थे और ये कौन किसान थे? वो मोदी के किसान थे जो झंडे लहरा के गए थे। और ये किसके किसान है जो बैठे हैं बॉर्डर पे बैठे थे? वो किसके किसान सही थे? नहीं, वो अगर मोदी के किसान है तो ये जो अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसके किसान है? वो अपने अकेले लड़ रहे हैं। वो आकर तिरंगा झंडा बदल दिया लाल किला पे, वो मोदी के किसान थे और आज धरना प्रदर्शन कर रहे हो तो वो किसान है? बात करिए तो स्पष्ट करना चाहते हो, दोनों बात स्पष्ट करिए। मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ देश का किसान अगर धरना देता है तो वो आपके, हम कह रहे हैं किसान जो है पूरे भारत का पेट भरता, दुनिया का पेट भरता है, उसके साथ न्याय होना चाहिए, उचित न्याय होना चाहिए। देश में संविधान है, व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं का लाभ मिले। उनके चुना हुआ सांसद देश को ये कहने, वो गद्दार थे, वो उग्रवादी थे, वहाँ लाशें लटकाई जा रही थी, वहाँ रेप हो रहे थे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, और पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए इस बयान पर उनको, जो उनकी सांसद इस तरह का निहायत गंदा बेवकूफा बयान। सब तो ये भी तो कह रहे थे कि वहाँ पर जो है तमाम तरह की शराब की बोतलें और सब तमाम तरह के अयाशियों का व्यवस्था किया गया। आपने देखा? नहीं, हमने नहीं देखा। जिस नेता की बात आप कर रहे हो उन्हीं नेता कह रहे थे देखे ना होते तो वैसे। ये निहायत बेवकूफा बयान है, ये कोरी लोकप्रियता। तो तीसरी बार पीएम मोदी बन गए भाई, तो क्या लोकप्रियता लूटने के लिए जिन लोगों के पास कोई सवाल जवाब नहीं है वो इस तरह के बेवकूफा बयान देते हैं। अच्छा हाँ। अच्छा क्या लगता है, जो इनकाउंटर वाला मामला चल रहा है उत्तर प्रदेश में, सही है या गलत है? अपराधियों को सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ बिल्कुल, जाति मजहब धर्म देखकर नहीं। अगर अपराधी चाह रहे हैं, सुल्तानपुर में डकैती 4 लोगों ने डाली है, तो एनकाउंटर अकेले मंगेश यादव का क्यों, अकेले एक व्यक्ति का एनकाउंटर क्यों? अपराध एक, सजा एक, वन नेशन वन रूल्स, एक देश एक कानून। तो मंगेश यादव को कानून अलग, बाकी 3 को अलग, ये क्यों? सही है, पूछता है भारत इस पर। हाँ सही है, वहाँ तो चलो ठीक है, मंगेश यादव को मान लिया। सरकार तो अपने तरफ से कह रही थी कि ये भाग रहे थे, यानी कि पुलिस कह रहा था भाग रहे थे, इनकाउंटर में मारे गए, मानते हैं इस बात को। लेकिन जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जो आरोपी हैं, आरोपियों के घर पे अगर बुलडोजर एक्शन हो रहा है तो गलत है कि सही है? बुलडोजर, मैंने आपको पहली बार में बोला, मैं बुलडोजर संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ हूँ। बुलडोजर अपराधी घूमते रहे न्याय व्यवस्था पर 10 साल 15 साल, फिर जमानत पे आकर छूटकर फिर वही कार्यक्रम करते रहे। देश की न्यायपालिका पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है बुलडोजर। देश की न्याय प्रक्रिया जो है न्याय प्रणाली से गुजारना चाहिए, और अगर बुलडोजर चला रहे हैं आप तो जाति मजहब धर्म मत देखिए। जाति मजहब धर्म वो तो कह रहे हैं कि जो अवैध कब्जा है, अवैध बिल्डिंगें बनी हैं उस पर चल रहा है, उसमें जाति मजहब की क्या बात? चलना चाहिए अगर कोई ग्राम समाज
का जमीन कब्जा के रखा है, कोई तालाब या कोई किसी मतलब सरकारी जमीन को कब्जा के रखा, अगर उस पर बुलडोजर चलता है तो जात मजहब कहाँ से आ गया? वहाँ की नगर पालिका उसको नोटिस देती है, नोटिस देने के बाद खाली कराया जब बुलडोजर चला जाता है कि अपनी मर्जी से चल जाएगा? अगर डीएम जाता है, एसडीएम जाता है गिरवाने, तो वैसे थोड़ी ना जाता होगा, होती है और आज बुलडोजर चल जाएगा, दो दिन में पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जाँच हो जाएगी, अवैध है की ये तो सही है। तो फिर क्या होना चाहिए इस विषय पर? मैं देश में जो कानून, देश कानून की मांग करता है, देश संविधान से चलता है, देश सोच या सनक से नहीं चलता। लोग तो कह रहे हैं कि सुनिए, बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि योगी जी बड़ा स्ट्रिक्ट हैं, योगी जी के उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था है, अगली बार जो है उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। योगी जी को तो मुख्यमंत्री पद से भी हटाना चाह रहे हैं लोग। योगी जी को कहा, योगी जी को चुनाव जानबूझ कर उत्तर प्रदेश में लोकसभा हरवाया गया। प्रमोशन हो जाए, प्रधानमंत्री बन जाए तो मंत्री क्या, मैं कहां बनने दे रहे हैं उनको, तो बार बार दिल्ली बुला लिया जाता है, उनको भी स्वतंत्र तरीके से, योगी जी को भी काम नहीं करने दिया जा रहा है, योगी जी को स्वतंत्र तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा है। दिल्ली से बैठकर पूरी सरकार चल रही है, दिल्ली से चल रही है। चलिए, क्या नाम है आपका? हुकुम सिंह। कहाँ रहते हैं हुकुम जी? राजस्थान से। राजस्थान से आए हैं, कैसा लगा दिल्ली घूम के? अच्छा लगा। अच्छा लगा, आपके राजस्थान में भी इस समय बुलडोजर हावी है, किस नज़र से देखते हैं इन सब चीज़ों को? एक लिए तो सही है, बुलडोजर चल रहा है तो अवैध पर चल रहा है, अवैध का वो कब्जा किया हुआ है, वो सही बात है, चल रहा है तो सही है। अरे जो बुलडोजर चला आपके राजस्थान में, वो बच्चा था, अगर मान लिया कोई गलती या कुछ भी हुआ बच्चे के साथ हुआ, तो उसके पिताजी पे बुलडोजर चलाने की क्या जरूरत? फांसी लगाओ ना, फांसी लगाओ जिसने मकान की जरूरत हो, बुलडोजर फांसी लगाओ, सीधी डायरेक्ट इनकाउंटर जैसे चल रहा ना, डायरेक्ट फांसी लगाओ, सजा मिलनी चाहिए परिवार को, मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए परिवार को। सुनो, घर के परिवार के अंदर 5 मेंबर होते हैं, माँ बहन सब कुछ होते हैं, मुलजिम तो एक होता है, उसे फांसी लगाओ, इनकाउंटर कर दो।